प्रीव्यू। नमस्कार, मैं शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। बिहार शरीफ में विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से डीएसपी इमरान परवेज के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौका पर बिहार थाना अध्यक्ष दीपक कुमार, बिहार थाना पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद मुश्ताक के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। फ्लैग मार्च बिहार थाना से निकलकर शहर के विभिन्न मोहल्लों और चौक चौराहों से गुजरा और जो भी लोग इस लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर पाए गए वैसे लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई। वहीं इस मौके पर डीएसपी इमरान परवेज ने कहा कि लॉकडाउन का कभी कभी सख्ती से अनुपालन करवाना पड़ता है। जो लोग बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं वैसे लोगों से घरों में रहने की अपील की जाती है और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज फ्लैग मार्च निकाला गया है, किस उद्देश्य से निकाला गया है? लॉकडाउन का कभी कभी सख्ती से अनुपालन करवाना पड़ता है। कुछ लोग फालतू घूमते रहते हैं, उन्हीं को इस पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए हम लोग निकले हैं और जगह शिकायतें मिली है उसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, देखते हैं कि कौन उल्लंघन कर रहा है।